अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अली और आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं तालिबे इल्म फरहान अय्यूब, जिन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट का शौक़ रखते हुए मुख्तलिफ गेम्स में अपने गेम के रिकॉर्ड बनाए हैं और अभी तक उनकी जो स्टडी है वो जारी है। और बाकी हवाल जो है वो उन्हीं से पूछते हैं कि उनको किस तरह ये शौक़ पैदा हुआ कि वो एक स्पोर्ट्स की तरफ आए और उन्होंने गेम बुक का रिकॉर्ड बनाए। अस्सलाम, कैसे हैं? सबसे पहले मुझे ये कहिए कि आपने बचपन से ही आपको ये मार्शल आर्ट का शौक था, तो किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? तो आपके आपने बेशुमार जो है स्पोर्ट्स के अंदर वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाए। मैं 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा था मार्शल आर्ट्स की और खुद से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, बिना किसी टीचर के, बिना किसी अकेडमी के। और काफ़ी मुश्किल थे शुरू में, लोग काफ़ी मजाक करते थे, कुछ भी ऐसे काम कर सकते हैं मार्शल आर्ट्स के लिए। फिर 13 साल तक मैं ट्रेनिंग करता, लोगों की बातें भी सुनता, लेकिन फिर ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैं अपनी कोशिश जारी रखी। और फिर 13 साल के बाद मैंने पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, वो था दी मोस्ट की वक्त मन में। ये मार्शल आर्ट का स्टेप होता है जमीन पर लेट के जंप करके उठते हैं, ये बरतानिया का था 1:22 का, तो मैंने 1:34 का इसको ब्रेक कर दिया। ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बेचता मैंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया दी मोस्ट 900 की वक्त 1 मिनट, ये शोरन का फोकस स्टेप है। और ये मैंने ब्रेक किया जमान पार्क में, इमरान खान की मैच है जिस जिस जगह पर इमरान खान दर्शक खेल रहे थे, वहाँ पर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया दूसरा। उसके बाद फिर मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ब्रेक किए इमरान खान फाउंडेशन के जरिए, और फिर आगे मैंने खुद से भी काफ़ी सारे किए और मतलब अपने अपने मुद्दे पर किए। फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे इसमें सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा, यूनिवर्सिटी से मैंने अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को। तो इस तरह करते करते मैंने अब तक 21 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दी। लेकिन यहाँ इसमें कहीं भी जो ना वो सरकारी हेल्प नहीं कहीं कभी भी हुई, सरकारी हेल्प ना रिकॉर्ड ब्रेक करने में हुई है ना उसके बाद आगे कुछ का मुआवजा मिला, मतलब सरकारी तौर पर कोई हेल्प नहीं इसमें मुझे भी, ना मेरे खेलों के सरकारी हेल्प है, ना मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने में सरकारी हेल्प है, प्राइवेट इधर की हेल्प कुछ थोड़ी बहुत मुझे भी जिससे मैं आगे बढ़ाऊँ। तो आपने जो बचपन से तालीम स्टार्ट की है, बचपन से जो तालीम थी वो मैंने छोटी छोटी मजदूरियाँ शुरू कर दी थी 4 साल की उम्र में। मैंने इसकी क्या वजह हुई कि आप मजदूरी की वजह ये, देखे मैं 2 माह का था, मेरे फादर खुद हो गए, मेरा बड़ा भाई 3 साल का था, मैं 2 माह का था, तब से मेरे फादर खुद हो गए और हमारे फादर थे, हम टोटल 3 ही लोग थे। तो घर का खर्चा चलाने के लिए जब मैंने मेरे भाई की छोटी सी उम्र मजदूरी शुरू कर दी थी, मैं 4 साल का था, वो 7 साल उसकी एज थी तकरीबन, हमने छोटी छोटी मजदूरी शुरू कर दी, गाड़ियों में टायर साफ करना, शीशे साफ करना, उसके बाद और एज भी बढ़ती गई, तो हमने हमेशा अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं इस तरह पूरा किया। छोटी छोटी क्लासों में पहली क्लास की 5 रुपये फीस थी, वो देने के लिए मुझे गाड़ी को धोना पड़ा था, इतनी छोटी उम्र में पहली जमात में था, मैंने गाड़ी धोई थी, फिर मेरी पहली जमात की फीस वो थी 5 रुपये से, वो जमाने की बात है। तो ये इस तरह से हमारी टीम चलती थी, तब भी गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट नहीं किया हमें, तो इन्होंने यहाँ तक किया था जब हमारे फादर फौत हुए थे, हमारी वालदा को और हम दोनों भाइयों को, मतलब एक जवान लड़की को और उसके 2 छोटे बच्चों को इन्होंने घर से निकाल दिया था गवर्नमेंट, उस वक्त जिसकी भी गवर्नमेंट थी 1993 में, उस वक्त इन्होंने हमें घर से निकाला था। पूरी रात मेरी वालदा हमें लेके सड़क पर बैठे रहेंगी, सर्दी की रात थी वो, फरवरी की रात थी वो। आपके वाले साहब कोई सरकारी मुलाजिम? हमारे फादर जो है बावटा में, बावटा में एक हादसे में उनकी डेथ हुई और उसके बावजूद ये सलूक किया गया था उनकी, मतलब उनकी जो बीवी थी उनके साथ, हमारी जो वालदा है उनको घर से निकाल दिया गया था कि बावटा घर खाली करो, अभी सरकारी घर फॉर्म नहीं रहा क्योंकि हमारे हस्बैंड फौत हो। तो ये सरकारी जो ना वो सतह पर पुराने वक्त से मेरे से दुश्मनियाँ पाली गई, पुराने वक्त से सरकारी लोगों को, सियासतदानों को, मुझसे कोई लगता है खास कोई तकलीफ है शायद। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आप अपनी तालीम को अपनी जारी रखा, बिल्कुल, और ये सारी मुश्किलें आपके सामने कहाँ तक वो तालीम हासिल कर, तब तक मेरे बड़े भाई ने बीबीए की है, उसके बाद मैं फिर कर रहा सिर्फ BBMB की जो डिग्री थी वो करने में, वो एम फिल कर रहा आगे मैनेजमेंट साइंस में, बिजनेस मैनेजमेंट, और मैं जो हूँ मैं BS में हूँ, मेरा लास्ट ईयर सारा BS मीडियम। तो इस दौरानी के दौरान कोई आप जॉब करते हो? इस दौरानी के दौरान मैं इस टाइम पर मैं कुछ अच्छे से जॉब नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त मेरी एजुकेशन तो फ्री है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, वो शुक्रिया कि उन्होंने मेरी एजुकेशन फ्री रखी हुई है, वहाँ पर मैं टैलेंट बेच पा रहा हूँ, ये मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की बेस मुझे फ्री पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है। लेकिन जो उसमें इसलिए नहीं कर पा रहा कि मेरी एजुकेशन का टाइम है, मेरी ट्रेनिंग का टाइम है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लोगों ने इसको मजाक समझा हुआ, 7-7 घंटे की ट्रेनिंग होती है, इसमें काफ़ी देर ट्रेनिंग है, तो मुझे जॉब का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी भाई की जो है ना वो एक जॉब चल रही है 7 और 7 वो पढ़ रहा है, उससे घर के गुजारे 7-12 साल है, लेकिन मेरे हालात तो हमारे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, मेरे पास आने जाने के किराए नहीं होते, मैं दिन में 15-16 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, मेरे किराए नहीं होते इसलिए, तो मैं पैदल सफर कर रहा हूँ, छतरी लेके धूप के ही हो जाते, छतरी खोल ली कभी कभी धूप ना हो तो ना खोल लो, इस तरह पैदल चलता गया, अभी भी मैं सुबह घर से पैदल आया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लॉयर का बॉर्ड हो गया, चौकत खान के सामने यूनिवर्सिटी है UCB, वहाँ पर मेरी BS मीडिया की डिग्री चल रही लास्ट ईयर। तो वो आपका टोटल स्कॉलरशिप है? वो मेरा 100% स्कॉलरशिप है, मियां अमल की मैं उनके रसम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे टैलेंट बेस्ड परमिशन दिया। तो कितने गिनीज बुक रिकॉर्ड आपने बनाए अब तक? मेरे पास 21 है और 7 कंट्रीज की दुनिया के, उसमें अमेरिका है,
यूके है, इंडिया है, जापान, इटली, जर्मनी और पाकिस्तान, मतलब सारे जो बड़े कंट्रीज होने वाले थे उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने सात मोहाली के। इस पर आपने माशाल्लाह इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इस बात में मुझे हंसी आती है कि इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बावजूद भी जहाँ उनकी सदर को कोई सपोर्ट नहीं की गई और मैंने हर मीडिया में जाके बात की, वज़ीर आला का नाम लेके बात की है, तो वज़ीर आला की तरफ से कोई किसी सेक्टर का भी फोन नहीं आया और मुझे हैरानी होती है इस बात, हंसी आती है इस गवर्नमेंट के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर साथ। नहीं तो पंजाब हुकूमत को जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे किसी से मुलाकात हुई, उनको आपने बताया कि मेरे साथ मेरी मुलाकात हुई थी रायतमुल खान भट्टी साहब से, उनको मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि हम इस पर कुछ करेंगे, तो उसके बाद काफ़ी अर्सा गुजर गया कुछ हुआ, उन्होंने कहा था कि हम इसमें, मैंने उस एप्लीकेशन में नहीं करना था मालिक साहब का शिकार हूँ, मैंने कुछ ना कुछ किया था, मैं उसने का शिकार हुआ था माली तौर पर, तो मैंने एप्लीकेशन दी थी कि उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, अभी भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, तो उसके लिए आपने क्या किया? मैंने कोशिशें की हैं बहुत ज़्यादा इन मिनिस्टर्स के ऑफिस में गया हूँ, वज़ीर आला को एप्लीकेशन लिख लिख के दिए, अब आखिर में जब कहीं भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, कोई भी बात नहीं सुना, तो मैंने आखिर ऐसा प्रोटेस्ट करना है जो कि जमहूरियत में राइट है, शहरी के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है और टैलेंटेड को तो मैं कहता हूँ ज़्यादा राइट है, 100% राइट है उसको प्रोटेस्ट करने का, वो टैलेंटेड होता है, आम पब्लिक में से तो मैं नहीं हूँ कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो और पूरा मन प्रोटेस्ट मैं कर रहा हूँ, पूरा मन प्रोटेस्ट मैंने आखिर में रास्ता बनाया है। तो आज ही आप प्रोटेस्ट कर रहे थे? बिल्कुल, आज मैं कर रहा था जी आर वन के सामने, जी आर वन के सामने मैं दो दिन से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं वज़ीर आला से मिलना चाहता हूँ, वज़ीर आला उस्मान बाजार के फर्ज है कि वो मुझे बुलाएं, अप्रिसिएशन दें, प्राइज भी नहीं दें, क्योंकि मैं पंजाब में वो इंसान हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो अप्रिसिएशन करें, जैसे क्रिकेटर को लाखों रुपए देते हैं, अभी सैनिट के इंतबाद तो लाखों करोड़ों रुपए चल रहा है, तो एक टैलेंट जो टैलेंटेड है उससे ना आपके पास मिलने के लिए टाइम है ना आप उसको भी इनामी रकम दे सकते, तो ये ज्यादा है, इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बुलाएं, मुझसे मुलाकात करें, मैं पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ना मैंने किसी को परेशान किया, उस पूरा मन प्रोटेस्ट से भी मुझे हाँ रोका जा रहा है लोगों की तरफ से, ज्यादा लोगों की तरफ से मुझे रोका जा रहा है और मुझे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, तो ये भी एक ज्यादा है कि पूरा मन प्रोटेस्ट के भी खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। आप यहाँ मेरी वज़ीर आला उस्मान बाजार से अपील है कि वो मुझे बुलाएं अपने पास अपने ऑफिस और एप्रिसिएशन करें, और एप्रिसिएशन का तरीका है कि मुझे वो कोई प्राइज मनी दें, क्योंकि ये मेरा हक है, मैंने मुल्क के लिए काम किया और एक दफा ने 21 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए, ये थोड़े नहीं है, 21 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पंजाब में, मेरे को सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मेरी उनसे अपील है कि मैंने हर जगह पर ये अपील की, हर चैनल पर अपील की है, अभी तक उनकी किसी सेक्टरी का भी मुझे फोन नहीं आया, ये काफी ज्यादा ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे साथ, मुझे अभी तक फोन नहीं आ रहा उनकी तरफ से, तो मेरी अपील है कि मेरी अपील सुनी जाए, और पूरा मन मैंने प्रोटेस्ट भी करके देखा तब भी मुझे प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया, तो इसलिए मेरी उनसे अपील है कि मुझे बुलाएं और प्राइज मनी दें, क्योंकि ये मेरा हक है, उनका एफर्ट है, वज़ीर आला पंजाब है, इसलिए मैं उनसे ये चाह रहा हूँ, मेरा नंबर है 0335-430-2065, तो मेरी वज़ीर आला से अपील है कि वो मुझे बुलाएं और वहाँ पर मुझे अप्रिसिएशन दें, प्राइज मनी दें जो मेरा हक है। इन्होंने अपनी अपनी सारी कहानी सुनाई है और हमारे स्टूडियो में आज उन्होंने हमें ये मौका बख्शा है कि आज यहाँ इंटरव्यू दे सकें और बात इसी के साथ हमारे मिलेंगे नए प्रोग्राम में अलग।